इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अवंती फीड कंपनी के शेयर के बारे में। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, अवंती फीड कंपनी के शेयर का ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट हम जनरली लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कुछ समय पहले करीब 2019 के आसपास अगर देखा जाए तो ये शेयर मात्र 300 रुपए पर ट्रेड करता हुआ नजर आता था, लेकिन बहुत ही कम समय में आप देख सकते हैं शेयर में एक बढ़िया तेजी देखने को मिली और ये शेयर 700 रुपए के ऊपर करीब 750 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आया। उसके बाद देखिए, कोरोना का प्रेशर आ गया था जिसके कारण सभी शेयरों में गिरावट हुई थी और ये भी उससे पीछे नहीं रहा और ये भी वापस से अपने पुराने लेवल करीब 300 रुपए के नीचे जाता हुआ नजर आया। उसके बाद देखिए, तेजी बनती रही और यहां पर इसने एक बेस क्रिएट किया जो कि 410 रुपए के आसपास है और आप देख सकते हैं पहले भी इस प्राइस से ये वापस बाउंस बैक हुआ है और अच्छा खासा लेवल इसने दिखाया, 700 रुपए का हाई यहां पर बनाया था। उसके बाद जो भी प्रेशर बना था उसमें भी इसमें गिरावट हुई थी और आप देख सकते हैं ये फिर से 410 रुपए के लेवल पर जाता हुआ नजर आया था और वहां से आप देखें एक बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और पिछले दो वीक से अगर देखा जाए तो इस शेयर में बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यहां से और भी ज्यादा तेजी इस शेयर में आती हुई नजर आ सकती है, तो यहां पर खरीदारी का आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि देखिए यहां पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस बेस को फॉलो कर रहा है और इस बेस पर जैसे ही आया यहां से एक अगले ही वीक में यहां पर आप देख सकते हैं बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला है और देखिए लगातार दो वीक में तेजी है, इसका मतलब यहां पर जो बाउंस बैक हुआ है उसका कंफर्मेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है। करंट प्राइस शेयर का जो 494 रुपए के आसपास चल रहा है, अगर मैं टारगेट की बात करूं तो पहला टारगेट यहां पर जो हो सकता है करीब 560-565 रुपए के आसपास का हो सकता है, जो कि आप देख सकते हैं ये हाई है, ये पहला टारगेट हो सकता है। दूसरे टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट यहां पर करीब करीब 650 या 640 रुपए के आसपास हो सकता है। तो देखिए यहां पर पहला टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया करीब करीब 560 रुपए के आसपास, दूसरा टारगेट करीब 640 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये टारगेट ऐसा नहीं है कि कल ही या परसों ही या एक ही महीने में देखने को मिल जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और करीब करीब 2 से 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है, ये लंबी अवधि के लिए होता है, लेकिन यहां पर ये टारगेट जो है 2 महीने के अंदर भी आ सकते हैं और हो सकता है कि मार्केट में और ज्यादा उथल पुथल हुई तो आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से चार्ट बड़ा पॉजिटिव है और निचले स्तरों से जिस तरीके से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है मुझे लगता है बढ़िया खरीदारी का मौका यहां पर हो सकता है। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही ऊपर जा रहा है, यहां पर इसने प्रूव भी किया है एक बार ये पहले भी 750 रुपए के आसपास होकर आया, तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी का एक बेहतरीन मौका है और पोजिशनल व्यू यानी कि अगर आप 2 से 3-4 महीने के लिए भी लगाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा रिटर्न आपको यहां से इस शेयर पर देखने को मिल सकता है। तो ये शेयर काफी बढ़िया है और जिस तरीके से यहां पर चार्ट दिख रहा है निश्चित रूप से खरीदारी का मौका है और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको निश्चित रूप से होल्ड करना चाहिए, यहां पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने बनाए हो तो निश्चित रूप से यहां पर खरीदारी का भी मौका है और होल्ड भी आपको यहां पर करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं यहां पर भी जो भी मैं आपको बता रहा हूं चार्ट में जो दिख रहा है वो आपको बता रहा हूं, आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, यहां पर जो भी मैं आपको बता रहा हूं अपने एनालिसिस के दम पर आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं आपको प्रॉफिट लॉस होता है तो उसके जिम्मेवार आप खुद ही होंगे। कुछ भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर सलाह ले लें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।